नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय में दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है दोस्तों, और आपकी बहुत ही लाभदायक और जानकारी की दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, अगर आप एक ड्राइवर हैं या दोस्तों आप ड्राइवल करना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं दोस्तों, या आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं, या दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं दोस्तों अपनी फोर व्हीलर गाड़ी लेकर दोस्तों, और आपको दोस्तों यहाँ पर टूल टैक्स से गुजरना होता है, और वहाँ पर आपको एक चार्जेस देने होते हैं जो टूल टैक्स आपसे लेता ही दोस्तों, रोड चार्जेस होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज आपको वही बताने वाला हूँ जो तो आपको चार्ज देने होते हैं जो टूल टैक्स पर, वो आपको नहीं देने होंगे दोस्तों। क्या है वो ट्रिक और क्या है कमाल का फीचर्स, इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखो, और मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा दोस्तों। और आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों यार अगर टूल टैक्स से जाएंगे दोस्तों तो ऐसी क्या ट्रिक लगाएंगे कि वो हमसे चार्ज ना लें दोस्तों, अरे दोस्तों वीडियो फुल देखो, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपको एक मैप्स में ऐसा रास्ता बताऊंगा दोस्तों, और आप मैप्स का यूज भी करते होंगे दोस्तों अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं मैप में आपको एक ऐसा सेकंड रास्ता बताऊंगा दोस्तों जहां से आप जाओगे और आपको एक भी टूल टैक्स नहीं मिलेगा दोस्तों, और रास्ता भी दोस्तों उतनी ही दूर की मिलेगी दोस्तों, उससे 2-4-10 किलोमीटर अंतर्गत होगा, मतलब बाकी उससे ज़्यादा कोई भी नहीं होगी दोस्तों। वीडियो को फुल कंप्लीट देखो और चलते हैं अपने फ़ोन पर, चलते हैं मैप पर दोस्तों, जहाँ से आप मैप के द्वारा ट्रैवलिंग करते हैं दोस्तों, चलते हैं मैप पर। तब दोस्तों आपको अपने मैप पे आ जाना है दोस्तों, ठीक है ना, मैं मैप पे आ जाता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर आप मैप से मतलब कहीं जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एक लोकेशन सेट करनी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेट करनी होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं मथुरा गया था, मैंने मथुरा की लोकेशन से लगाई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने मथुरा की लोकेशन से लगा दी दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये मथुरा जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मथुरा की लोकेशन से लगा दी दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको डेस्टिनेंट जो ये लिखा हुआ है डेस्टिनेंट दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोकेशंस योर लोकेशंस तो यहाँ पर दे रखी है, और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कानपुर जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, या मुंबई जाना चाहते हैं, या गुजरात जाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इसकी यहाँ पर ये दूरी है दोस्तों, दूरी आप देख सकते हैं 322 किलोमीटर है दोस्तों। अगर दोस्तों ये मैप की ट्रिक्स आप जान लेते हैं तो बहुत ही आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है दोस्तों, और आप यहाँ पर अपने बहुत सारे चार्जेस यानी पैसे बता सकते हैं दोस्तों टूल टैक्स के दोस्तों। और भी मैप्स की कई ऐसी वीडियोज हैं जो जानकारी लायक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट दिन अगले दिन बनाकर आपको दे दूंगा दोस्तों, अगर आप एक ट्रैवलिंग करते हैं ड्राइवर हैं दोस्तों, यार बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर आप एक मैप्स यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फुल कंप्लीट और ध्यान से देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इतना तो डालना सीख ही गए होंगे, यहाँ पर योर लोकेशन और मथुरा दोस्तों, अगर आप एक ट्रैवलिंग करते हैं नहीं जानते तो दोस्तों यहाँ पर आप सीख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी लोकेशन होगी और आपको यहाँ पर जाना होगा दोस्तों वहाँ की लोकेशन। और दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले बस आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स लगानी है दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रिपल डैश पे क्लिक करना है। वो ट्रिक्स क्या है बस दोस्तों, इस ट्रिक का कमाल है दोस्तों, यहाँ पर रूट ऑप्शन पर आ जाना है दोस्तों, और रूट ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो टूल टैक्स का सिस्टम से दिखा रहा है दोस्तों। अगर आप मतलब यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, यहाँ पर 3 टूल टैक्स दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रकार से मतलब आप यहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जिस रास्ता पे आपको टूल टैक्स ना मिले दोस्तों, फ्री में आप चले जाएँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पर दूरी भी दिखा दूँ, 322 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल से आपको बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, अब इसमें लिखा है अवॉइड टोल्स, ठीक है ना, अवॉइड टोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डन कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको एक सेकेंड रास्ता मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 332 था, कितना था दोस्तों यहाँ पर 360 किमी का अंतर आया, ज़्यादा अंतर नहीं आया दोस्तों। और यहाँ पर आपको मैप एक सेकेंड रास्ता बताएगा जिस कारण आप आसानी से मथुरा पहुँच सकते हैं, और बिना चार्जेस के, बिना टोल टैक्स के दोस्तों। यार कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट में, और कमेंट एक प्यारा सा जरूर छोड़ कर जाएं दोस्तों। मिलेंगे ऐसी ही गूगल से नई जानकारी लेकर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।